पश्चिम बङ्गालको उच्च माध्यमिक परीक्षा आजदेखि सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्रीको निर्देश अनुसार जङ्गल क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई वाहनको माध्यमद्वारा परीक्षा केन्द्रहरूमा पुर्याइने व्यवस्था गरिदिएको छ। आज बागडोग्रा वन विभागले टिपु खोला तिराना एमएम तराई अट सहित जङ्गल क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सरकारी बसहरूको सहयोगमा परीक्षा केन्द्रहरूमा पुर्याइयो। बागडोग्रा वन विभागका रेन्जरले बताएअनुसार उक्त इलाकामा आज बिहान हात्ती निस्केको थियो, यसैले वन विभागले हात्तीहरूमाथि विशेष नजर राखिरहेको छ। जङ्गल क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने उच्च माध्यमिक दिने विद्यार्थीहरूलाई कुनै प्रकारको असुविधा नहोस् भन्ने उद्देश्य लिएर यहाँ 5 वाहनको व्यवस्था गर्नका साथै तिनीहरूलाई परीक्षा अवधिभरि तिनीहरूको परीक्षा केन्द्रहरूमा पुर्याइने बताइएको छ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो हमारे स्टूडेंट को एग्ज़ाम लिखने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ से बहुत ही मुश्किल होता है जाने के लिए, क्योंकि गाड़ी के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जो हमारे स्टूडेंट के लिए जो बस गाड़ी बंदोबस्त किया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके लिए हम हमारे स्टूडेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे जो जाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है, जो हाथी वगैरह मिल जाते हैं उसके वजह से। तो और हमारे जो गाड़ी का बंदोबस्त कर रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे जो जितने दिन तक एग्ज़ाम चलेगा उसके लिए हम लोग को जितना दिन एग्ज़ाम है उतने दिन तक हम लोग के लिए बस का गाड़ी का इंतजाम किया जा रहा है। सर सब है यहाँ पे, डिपार्टमेंट के लोग सब भी है, खड़ा है यहाँ पे हमारे के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए, सभी कोई को देख रहे हैं कि कोई आ रहा है जा रहा है, इसीलिए सर अच्छा लग रहा है सर। जी सर, पहला एग्ज़ाम है। प्रेशर तो कुछ नहीं है सर, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई एकदम सही चल रहा है। हम लोग को बहुत सुविधा मिला है, जो कि मतलब रास्ता घाट में हम लोग का इधर बहुत हाथी जानवर सब मिल रहा है, तो बस मिलने से हम लोग के लिए बहुत सुविधा होगा। मतलब वही हाथी यही सब का थोड़ा डर होता है, और यहाँ पे गाड़ी भी ठीक से नहीं मिलता है, वो लेट होने का डर, ये खुशी मिल रहा है।